wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi and welcome to day 2 of my vlog, Gauri Ganesh Festival vlog. तो आज है day 2 and morning से मैं कुछ भी vlog नहीं कर पाई. I was running out of time and we had to do lot many things, cleaning और stage decoration वगैरह. तो now I'm ready. It's 11 o'clock and we are going to welcome Bappa, our Bappa home. This is the stage here, हमारे Bappa की मान जहाँ पे वो आके विराजमान होंगे और हमारे साथ आगे 10 दिनों तक रहेंगे. नोनो कम और मैं आपको वर्चुअल दर्शन कराने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड कम कम कम. सो हियर इज माय एल्डर वन ऑल सेट टू वेलकम बप्पा. से गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बप्पा बप्पा मोरिया, हमारे घर को जल दिया. से हेलो, हाय, इधर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. से आज क्या है? गणपति का बर्थडे. यस, गणपति का बर्थडे मोरे. हाँ, गणपति मोरिया का बर्थडे है. ओके, चलो सबको बोल दो हाय दोस्तों. हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल. वेलकम टू आवर चैनल. मिशिका, नोनू की फ्रेंड दिखा. से हेलो मिष्टी. हेलो. गणपति बप्पा को वेलकम करने. ओके, यस बेटा, यस गुड. सो गणपति बप्पा अराइविंग शॉर्टली. होप आप सभी का मैंने और मेरे बच्चे लोगों ने, मेरे बच्चा पार्टी ने बहुत ही वार्म वेलकम किया होगा. अब मैं आपको छोटी सी एक अपडेट दे देती हूँ रिगार्डिंग माय तीज की जो फास्ट थी वो मैंने कब खोली. तीज की फास्ट में तृतीया तिथि जब एंड होती है रात को 12 बजे के बाद मैं कुछ पानी पी लेती हूँ ताकि मेरा तीज का व्रत कंप्लीट हो जाए सक्सेसफुली. एंड देन आई बिगिन विथ माय चतुर्थी का व्रत जो कि गणपति बप्पा के आने के बाद ही मैं कंप्लीट करती हूँ. सो यू विल गेट टू नो. और यहाँ मैं बिल्कुल रेडी थी अपने गणपति को वेलकम करने के लिए जैसा कि आप छोटे छोटे क्लिप्स में देख रहे हो. एंड डैट वॉज माई OOTD. और ये व्लॉग मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही इमोशनल है बिकॉज पीपल हु नो मी और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं दे नो कि ये दिन मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और कितनी स्पेशल है. तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपने बप्पा के पूरी दिल से स्वागत करते हैं ताकि मेरे घर में तो बप्पा ने पॉजिटिविटी बहुत सारी लाई है और आप सबके घर में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आए बप्पा. तो चलिए वेलकम करते हैं. एंड हियर वी ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर हिज प्रेजेंस. तो अब बस आने वाले हैं क्योंकि वो एक टाइम होता है जो शुभ मुहूर्त होता है हम उसमें ही बप्पा को घर लाते हैं. व्हेन एवरीथिंग इज रेडी देन वी वेलकम. जे सारी दुनिया सजे आज गणपति बापा पधारे. हर तरफ जोश है एक जय घोष है देवा मंगल मूर्ति मोरिया रे. सारी दुनिया है तूने संभाली तेरी महिमा है सबसे निराली. मेरी आंखों में तू सांसों में तू फोटो पे है नाम तेरा मेरे मोरिया.
ढोल ताशा बजे सारी दुनिया सजे आज गणपति बापा पधारे। हर तरफ जोश है एक जय घोष है देवा मंगल मूर्ति मारियां रे। सारी दुनिया है तूने संभाली तेरी महिमा है सबसे निराली। मेरी आंखों में तू सांसों में तू होंठों पे है नाम तेरा मेरे मोरिया। गणराया 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 शक्ति दे। यहाँ पे अपने गणपति का श्रृंगार करके उनका अच्छे से वेलकम करके तब मैं मेन पूजा शुरू करूंगी। और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं कि मेन पूजा स्टार्ट हो, अब बैठ जाएंगे ताकि हम सब आराम से बैठ के अपने गणपति की आराधना कर सके। गजाननम् गजवदनम् गणपतिं प्रणमाम्यहम्। गजाननम् गजवदनम् गणपतिं प्रणमाम्यहम्। गणाधिपं गुणाध्यक्षं गणाधिपं गुणाध्यक्षं गणनाथं प्रणमाम्यहम्। गजाननं गजवदनं गणपतिं प्रणमाम्यहम्। गजाननं गजवदनं गणपतिं प्रणमाम्यहम्। विघ्नराजं विघ्नेशं विनायकं
प्रणमाम्यहम् चतुर्हस्तं लंबोदरं हेरम्बं प्रणमाम्यहम् गजाननं गजवदनं गणपतिं प्रणमाम्यहम् गजाननं गजवदनं गणपतिं प्रणमाम्यहम् ॐ गणपतये होप मैंने आप सबको अपनी इस महाआरती का एक पार्ट बनाया हो और आपको अच्छा लगा हो मेरी इस महाआरती का एक पार्ट बनके और मेरी इस व्लॉग को देख के आप लोगों के घर में भी उतनी ही अच्छी पॉजिटिविटी और उतनी अच्छी एनर्जी आए। ये गणपति की शाम की एक छोटी सी क्लिप है जो कि शाम की पूजा के बाद की है। मैं अब गणपति की सेवा आगे के 10 दिन करने वाली हूँ। सो 11वें दिन जो चतुर्दशी का दिन होता है जो कि 19 सितंबर संडे का दिन होने वाला है, उस दिन मैं गणपति विसर्जन करूंगी। सो मेरे गणपति हमारे साथ आगे के 10 दिन रहने वाले हैं और हर साल मैं इतने ही दिन तक गणपति को अपने पास लाती हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि गणेश जी हमेशा मेरे साथ रहें, बट वो पॉसिबल नहीं है। वो मेरे साथ हमेशा है वर्चुअली, बट फिजिकली लाइक मेरे साथ सिर्फ 10 दिन तक रहते हैं। ये जो टाइम होता है हर साल वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल और इमोशनल होता है। यस और मैं आगे के हर एक दिन जब तक गणपति मेरे साथ है मैं सुबह उठ के उनकी पूजा करती हूँ और एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उनकी पूजा करते हैं एंड इवनिंग में अगेन वी डू आरती एंड उनको भोग लगाते हैं। सो गणपति बप्पा मोरया और ये उनका ही आशीर्वाद है कि वो मेरे घर हर साल आते हैं और आगे जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक गणपति मेरे साथ आएंगे और मेरे साथ रहेंगे हम सबके साथ। मैं पिछले 11-12 सालों से गणपति को अपने घर ला रही हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस और मैं आगे भी उनके आशीर्वाद से ये अपनी लेगेसी कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ अहेड। गणपति बप्पा मौर्या, गणपति आप सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम ऑन माई चैनल एंड आई सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।